क्या आप भी अपनी छत पे इस गर्मी में पत्तेदार सब्जियां उगाना चाहते हैं? अगर उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज मैं कुछ पत्तेदार सब्जियां बताऊंगी जो आप बड़ी ही आसानी से अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में। ये जो पत्तेदार सब्जियाँ मैं बताने जा रही हूँ, ये दोस्तों इसके लिए कोई बड़े गमले की या ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं है। ये आप छोटे से छोटे ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं। और ये साग लगाने के बाद 1 महीने के बाद आपको इसकी हार्वेस्टिंग भी मिल जाएगी। बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, पत्तेदार जितनी भी ये सब्जियां हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आने वाली जो भी न्यू वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। ये जो मैं जितनी भी पत्तेदार सब्जियां बताने जा रही हूँ, ये दोस्तों आप पूरी गर्मी आप अपने छत पे उगा सकते हैं बड़े आराम से। हमारी पहली पत्तेदार सब्जी है जो आप पूरी गर्मियाँ अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं, वो है पालक। पालक को आप पूरी गर्मियों में बड़ी ही आसानी से उगा सकते हैं। पालक एक बहुत ही अच्छी पत्तेदार सब्जी है जिसकी कई तरह की डिशेस बनती हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। पालक के लिए ग्रो बैग या कंटेनर ज़्यादा गहरा ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चौड़ा होना चाहिए लगाने के लिए। जितनी चौड़ाई होगी इसकी, तो खुला होगा जितना, उतनी ही इसकी जो सब्जी है, जो हार्वेस्टिंग है, वो ज़्यादा मिलेगी। और पालक के बीच अगर गोबर खाद आप डाल देंगे तो उससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। पालक के सीड्स लगाने के बाद ये 6-7 दिन के अंदर ही उग जाते हैं। लगाने का तरीका अपना अपना है। मैं तो ये नाली बना के लगा दे रही हूँ, तो अगर नाली नहीं बनानी तो आप ऐसे भी छिड़काव करके भी लगा सकते हैं। 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट, 10-15 दिन के बाद आप हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करके इसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप 1-2 दिन के बाद गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट डाल के इसमें भर के पानी लगा दें। ये दोस्तों पालक जो है, ये 1 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो करने को मिल जाती है। 30-35 दिन के बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी हमारी पत्तेदार सब्जी हो गई कुल्फा। ये कुल्फा दोस्तों, ये सीड से भी ग्रो किया जा सकता है और इसकी कटिंग भी लग जाती है। कटिंग से भी बड़ी ही आसानी से और जल्दी ग्रो हो जाता है, तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। कुल्फे के सीड्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैं कुल्फे के सीड्स हैं, बिल्कुल इसका छोटा दाना होता है। ये देखिए, नींबू का पौधा है तो इसी के बीच में लगा दे रही हूँ, और ये कुछ ही दिनों में हमें तोड़ने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये दोस्तों देखिए कितनी बड़ा बड़ा कुल्फा जो है वो तैयार हो गया। आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी और इसकी कटिंग भी लगाऊंगी। कुछ मैं अलग से दूसरे गमले में इसकी कटिंग लगाऊंगी। कटिंग से जल्दी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग जो है वो लग जाती है। ये देखिए, ये एक जैसी टहनी है इसकी, ये छोटी सी जो है
ये देखिए छोटी ब्रांच ये भी आप लगा देंगे ना तो ये भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो ये भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही पौष्टिक सब्ज़ी होती है, खाने में भी ये थोड़ी सी खटास होती है इसमें। और अगली पत्तेदार सब्ज़ी हमारी हो गई, ये तीसरी सब्ज़ी है, तो ये है सिंगापुरी पालक जिसको बोलते हैं। ये भी दोस्तों हमारे इधर यहाँ बहुत ही कम लोग जानते हैं इसको, तो ये भी बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होती है। इसके फूल पत्तियाँ तने ये सब खाए जाते हैं और बहुत ही खाने में ये पौष्टिक होते हैं। ये दोस्तों इसकी भी कटिंग लग जाती है, ये एक ही पौधा मैंने बाल्टी में लगाया हुआ है और मैंने जगह जगह ये पालक जो है ग्रो की हुई है। ये पालक ऐसी है एक बार अगर आप लगा देंगे तो साल भर आप इसको आराम से खाएंगे, ये कभी पौधा मरता नहीं है। तो ये भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। चलिए अभी चौथी सब्जी के बारे में जान लेते हैं जो कि खाने में बहुत ही पौष्टिक सब्जी है और इसे भी आप पूरी घर में उगा सकते हैं। वो है लाल चौलाई, लाल भाजी जिसको बोलते हैं। ये दो किस्म की है मेरे पास, एक तो हाईब्रिड की जो चौड़े पत्तों वाली और एक ये है ये लोकल है। लाल चौलाई भी एक पत्तेदार सब्जी है जो आप पूरी गर्मी में इसको अपने गार्डन में उगा सकते हैं। गर्मियों में लगाने से इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। चौलाई जो है ये दो कलर में आती है, एक तो ये रेड कलर में और एक ये ग्रीन कलर में। और इसको लगाने का सेम वही तरीका है जो मैंने पहले आपको कुल्फा लगा के बताया है। और इनके लिए भी कंटेनर, ज़्यादा गहरा कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी, छोटे से छोटी हाइट वाले कंटेनर में भी लगा सकते हैं। ये हमारी पाँचवीं पत्तेदार सब्जी आ गई। छठी सब्जी के बारे में जान लेते हैं, वो है बथुआ जिसको घूस फूट भी कहते हैं और मेलडी भी कई लोग कहते हैं। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। बथुआ एक ऐसी पत्तेदार सब्जी है कि इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये लीफी वेजिटेबल है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बथुआ एक ऐसा साग है जो खाने से आपकी बॉडी में किसी किस्म का भी स्टोन की प्रॉब्लम हो तो वो इससे खाने से बड़ी आसानी से बिन कोई कष्ट दिए अपने आप ही ये निकल जाती है। दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है साग की, मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, वीडियो लंबा हो